हेलो बच्चों, क्या आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कितना लगेगा टाइम? 5 सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करने जाएं, ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएं तो कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 1 मिनट या उससे ज्यादा भी लग जाए। लेकिन इस वीडियो के बाद हम ये सारे मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के 3 डिजिट के ऐसे सारे मल्टीप्लिकेशन 5 सेकंड में, जी हाँ सिर्फ 5 सेकंड में करेंगे। और आप इसके बाद कैलकुलेटर अपने घर में रख देना ड्रॉअर में, और उसके बाद आपको कभी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे मल्टीप्लिकेशन को छोटे छोटे ट्रिक में विद इन 5 सेकंड और उससे भी कम समय में ये सारे मल्टीप्लिकेशन हम करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने अपने चैनल में 0 to 0 बिगनिंग ऑफ विनिंग में। सो मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक, सो फर्स्ट यहां पर हम लोग 4 से 5 ट्रिक पढ़ेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन या गुना करने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो लास्ट का जो ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लास्ट का ट्रिक, वो सारे मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। सो सबसे पहला ट्रिक नंबर 1, वैसे नंबर जिनके लास्ट में 5 रहे, वैसे नंबर जिनके लास्ट में 5 रहे उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 का स्क्वायर, 45 स्क्वायर। सो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में जब भी लास्ट में यूनिट डिजिट अगर आपका 5 रहे और उसी का स्क्वायर रहे या उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना रहे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 का स्क्वायर आई थिंक सबको पता होता है 25। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 25। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 में हम एक बढ़ा करके लिखेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा 5। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2025। सो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन और ये इसका आंसर हो गया। कितना सेकेंड लगेगा? 2 से 3 सेकेंड। जैसे आप एग्जांपल 35 का करें, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 बढ़ा दिए 4 और 4 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ा दिए 4 और 4 × 3 12। जी हाँ, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। कितना टाइम लगेगा? ओके, ये तो छोटा है, अगर हम लेके चले 85 × 85, देन सबसे पहले 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 8 में 1 इंक्रीमेंट किए 9, 8 × 9 72। वाओ, इतना फास्ट। सो आपको ये याद होगा कि कहीं भी जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर फॉर्मूलाज आते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इस टाइप के। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर रहता है। तो अगर कभी भी ऐसे नंबर आपको मिल गए लाइक पाई इंटू 35 स्क्वायर इंटू h, तो आप क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। सो मल्टीप्लीकेशन ना करके आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम में। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन तो सही बनाएंगे, साथ ही साथ आप टाइम जो है वो मैनेज कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे आलसी होते हैं जिनको मल्टीप्लीकेशन करना नहीं अच्छा लगता, वो लास्ट में आंसर लाना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप ना केवल आंसर भी सही लाएंगे और मल्टीप्लीकेशन भी जल्दी कर लेंगे। पता है बिल गेट्स ने क्या कहा था, कि हमें टैलेंटेड बच्चे नहीं चाहिए अपनी कंपनी के लिए, हमें आलसी बच्चे चाहिए, क्योंकि वो काम को जल्दी करने का तरीका निकाल लेंगे क्योंकि वो आलसी होते हैं। सो ये ट्रिक जो है वो आलसी लोगों के लिए है। ठीक है, सो ये था ट्रिक नंबर 1। एक और फटाफट एग्जांपल ले लेते हैं, 75 × 75, 5 का स्क्वायर 25, 7 में 8 इंक्रीमेंट किए 8 × 7 56। ये इसके लिए भी अप्लाई है, हाँ इसके लिए भी अप्लाई है। 5 का स्क्वायर 25, 12 में 1 इंक्रीमेंट किए 13, 13 × 12 156। ओके, सो कोई भी नंबर जिसके आखिरी में 5 हो हम इजिली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके सेम नंबर से। सो ये था ट्रिक नंबर 1। चलिए फटाफट अब ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर ट्रिक आपको पसंद आ रहे हो, तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दे और बने रहें। अब ट्रिक नंबर 2,
वैसे नंबर जो 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो और 100 से कम हो, ठीक है। वैसे नंबर अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 के आसपास हो और 100 से कम हो, लाइक 92 × 96। ये 100 के आसपास के नंबर है और कम भी है, तो इसका मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करेंगे। ये नंबर 100 से कितना कम है? 4। ये नंबर 100 से कितना कम है? 8। ओके, सो अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो या इन दोनों को माइनस कर दो। तो 92 − 4 कितना होता है? 88। या 96 − 8 कितना होगा? 88। किसी को भी माइनस कर लो, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। सो 88 हो गया। अब क्या करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये जी हाँ, ये आंसर हो गया। कितना स्टेप लगा? 2। कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड से भी कम। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, 93 × 94। 93 कितना कम है 100 से? 7। 94 कितना कम है? 6। किसी को भी माइनस कर लो, 93 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 87। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7 = 42। जी हाँ, ये आंसर। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 97 × 96। कितना कम है 100 से? 3। 100 से कितना कम है? 4। क्या करना है, आप या तो इनको माइनस कर लो या इनको माइनस कर लो, कितना आएगा? 93। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 12। वाव, कितना आसान था। अगर हम इसी चीज को ऐसे मल्टीप्लाई करने जाते 97 × 96, तो एक बार ये, फिर देन ये, देन फिर ऐड, ये सारे कितना टाइम लगता? बहुत ज्यादा टाइम लगता। यहाँ पर कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड, 2 स्टेप। ओके, सो दिस इज द स्टेप फॉर द नंबर विच इज लेस देन 100 एंड नियर द 100। ओके, अब एक और फटाफट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 92 × 98। 100 से कितना कम है? 8। 100 से कितना कम है? 2। ओके, माइनस कर दो चाहे इसको, कितना आएगा माइनस करके? 90। ओके, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वाह, आंसर। ओके, ये तो था सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, डिवाइड देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे और भी बहुत कुछ सारे ट्रिक देखेंगे। और इस वीडियो का सबसे मेन है, लास्ट में मैं एक फन फैक्ट बताऊंगा जो कि एक मैजिक की तरह है। मैथ्स में आप अपने दोस्तों के साथ वो खेल सकते हैं और दोस्त सोचेंगे उसे मैजिक इससे आता है। वाओ, ओके, सो दिस इज द ट्रिक नंबर 2। नाउ कम टू ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है? वैसे नंबर जो 100 से ज्यादा हो और 100 के पास हो। ओके, जैसे कि 102 × 106। अब क्या करेंगे, कितना कम है 100, कितना ज्यादा है 100 से? 2। कितना ज्यादा है 100 से? 6। ओके, अब क्या करते हैं, किसी को भी यहां ऐड करना है तो हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड करो चाहे इसको ऐड करो, क्रॉस एडिशन। तो कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके? 108। अब क्या करना है, आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 × 2 = 12। आंसर। अनदर एग्जांपल, 106 × 101। इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 100 से कितना ज्यादा? 6। 100 से कितना ज्यादा? 1। अब क्या करना है, चाहे इसको ऐड कर दो चाहे इसको ऐड कर दो, नंबर तो सेम ही आना है, 107। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 6। तो हमें क्या लेना है? 06। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा हमको कौन सा कितना डिजिट लेना है? 2 डिजिट। अगर वो 1 डिजिट आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको 2 डिजिट बनाएंगे, 06। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, 109 × 11। इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर कैसे करेंगे? कितना ज्यादा है 100 से? 9। कितना ज्यादा है 100 से? 11। अब क्या करना है, या तो इसको ऐड कर दो या तो इसको ऐड कर दो, दोनों केस में कितना आएगा ऐड करके? 120। एंड देन क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वाओ, दिस इज द आंसर। ओके, सो ये किसके लिए था?
ये किसके लिए था, ये वाला 100 से ज्यादा के लिए। वैसे नंबर जो 100 से ज्यादा हो, देखो आप 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ 5 सेकंड में कर रहे हो, कैलकुलेटर की जरूरत है क्या? मजा आ रहा है सबको? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दे वीडियो को। ओके, सो दिस इज द ट्रिक नंबर 3। नाउ कम टू ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है, जो अभी हमने ट्रिक नंबर 2 पढ़ा और ट्रिक नंबर 3 पढ़ा, उन दोनों का मिक्सर है ट्रिक नंबर 4। क्या है ट्रिक नंबर 4? जैसे कि ये एग्जांपल है, यहां क्या दिख रहा है, एक नंबर 100 से ज्यादा है, एक नंबर 100 से कम है। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? सो ये कितना ज्यादा है, 2, ये कितना कम है, 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसको ऐड करो। तो दोनों केस में नंबर तो सेम आना है, तो कितना आ जाएगा, 98। इनको माइनस करोगे भी तो 98, इनको प्लस करोगे भी तो 98। ओके, देन क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन और यहां लिखते हैं। लेकिन इस केस में एक चेंज है, आपको क्या करना है, यहां पर 2 जीरो डाल देना है पहले, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा। अब 8 यहां माइनस कर दो। ओके, सो कितना आएगा, 2 9 7 9 9 7 9 2। वाओ, कितना इजी था। दूसरा एग्जांपल, 103 into 97। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 3 फ्रॉम 100 एंड दिस इज लेस देन -3 फ्रॉम 100। देन अब क्या करना है हमको, सिंपली या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर इसको ऐड कर दो, तो कितना आएगा, 100 आएगा। ओके, 100। अब क्या करना है, 2 जीरो डाल दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और यहां माइनस कर दो, तो ये हो गया 1 9 9 9। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है, कितना इजी था। अब ये तो था मिक्सर वाला, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, 89 into 107। देन क्या करेंगे, ये कितना कम है 100 से, 11। ओके, ये कितना ज्यादा है 100 से, 7। अब क्या करना है, या तो इसको ऐड कर दो या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। अब क्या करना है, दोनों अलग अलग है, ये ज्यादा है ये कम है, तो यहां पर 0 ले आओ, उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 77 एंड देन माइनस कर दो, तो 3 2 5 9, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज ट्रिक नंबर 5। नाउ कम टू ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी ये यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है। ओके, ये सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, जितना अभी तक हम पढ़े हैं वहां हम ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं ट्रिक नंबर 5 क्या है। इफ आई टेक 23 into 32, मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले ये यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6। ओके, नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, कितना आ जाएगा, 13। यहां पर क्या है, मैं बता रहा हूं इसलिए टाइम लगेगा, सो एक बार आप जान जाओगे तो इजीली कर पाओगे जल्दी। सो कितना आया ये, 13। तो हमेशा एक डिजिट लिखना है यहां पर, तो आई राइट हियर 3 और 1 क्या हो जाएगा, कैरी। नाउ अगेन मल्टीप्लाई दिस टू, 2 into 3 6 एंड 1 इज कैरी, तो 6 1 7 3 6। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। कितना टाइम लगेगा, लगेगा 5 सेकेंड या उससे भी कम। ओके, कैलकुलेटर की जरूरत है और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। देखो और दूसरा एग्जांपल, 43 into 53, इसे मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, देन इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 12 और 15 27, कैरी 2। नाउ 5 4 20 20 plus 2 22, हो गया मल्टीप्लीकेशन। कैसे मजा आ रहा है, एक और देखते हैं जल्दी से, 36 into
92, ओके, सो 6 2 12 कैरी 1, हमेशा एक डिजिट टिकना है, एक कैरी रहेगा, बाकी उसके बाद जो भी नंबर रहेगा वो कैरी जाएगा. नाउ 3 2 6 एंड 9 6 54, 54 प्लस 6 60, 60 एंड 1 61 कैरी 6, 9 3 27, 27 और 6 33, ओके, 54 प्लस मल्टीप्लीकेशन 42, 4 2 8, 5 2 10, 4 4 16, 26 कैरी 2, 5 4 20, 2 2 6 8, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड. सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, और ये ट्रिक है सभी के लिए, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. तो बच्चों बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो मैथ्स है उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे, और मैथ्स कोई भी मैथ्स हार्ड नहीं होता अगर आप इसे दिमाग से पढ़े और मजे से पढ़े तो. सो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक अगर आप जानने लगे हो तो आपको मैथ्स बनाने में बहुत मजा आने वाला है और एग्जाम में टाइम भी बचने वाला है. तो चलो जल्दी से हम क्या देख लेते हैं, फन फैक्ट्स जो मैंने कहा था आपको लास्ट में बताऊंगा. सो फन फैक्ट्स में क्या करना है, जल्दी से आप एक कैलेंडर ले लो, कोई भी कैलेंडर निकाल लो, कितना भी पुराना, उस कैलेंडर में से कोई भी एक मंथ उठा लो, जनवरी फरवरी मार्च अप टू दिसंबर, कोई भी एक क्या उठा लो, कोई भी एक मंथ उठा लो. नाउ अब मंथ उठाने के बाद क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लो, तीन तीन नंबर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लो. नाउ अगेन तीन नंबर को लेते हुए वर्टिकल डायरेक्शन में एक लाइन लो. सो तीन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तीन वर्टिकल डायरेक्शन, सो आप क्या बना लो, एक स्क्वायर बॉक्स बना लो तीन का. सो एक स्क्वायर बॉक्स बन गया ये. अब स्क्वायर बॉक्स के बीच में जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करो नाइन से. सो जो भी नंबर है उसे आप नाइन से मल्टीप्लाई कर दो. सो नाइन से मल्टीप्लाई करने के बाद 135 आ रहा है आपका. अब क्या करो, जो बॉक्स के जो बाकी नंबर है सारे नंबर उनको क्या कर दो, ऐड कर दो. सो सबको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा और जिसको आपने 9 से मल्टीप्लाई किया है वो नंबर वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. सो आप इसे कैसे यूज कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, कैसे करोगे, आप उनसे बोलो कोई कैलेंडर लेके आओ, कैलेंडर में उन्हें कोई मंथ बोल दो चूज कर लेने, उसके बाद उस मंथ में क्या बोलोगे, कोई भी तीन तीन का चूज करते हुए एक स्क्वायर बना लो, और आप उसे उससे बोलो कि इसका सम कितना होगा ये मैं बता सकता हूँ बिना ऐड किए बिना कुछ किए, और आप क्या करो बीच वाला नंबर लो, उसे 9 से मल्टीप्लाई करो और उसे बता दो दिस इज द सम. ओके, सो उसे क्या लगेगा, ये मैजिक है, आप मैथ्स के मास्टरमाइंड हो. सो कैसा लगा फन फैक्ट्स? सो अगर सारा ये ट्रिक और ये फन फैक्ट्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सारे बच्चे हैं जो घर में बैठे हुए हैं और जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर सकें और पैसे दे सकें, सो उनके पास ये सारी चीजें फ्री में जा सके और वो भी कॉम्पिटिट कर सकें अपने लोगों से. और यहाँ आप जानते भी हो नेट का इश्यूज है और सारी चीजें, सो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती, तो मैं वीडियो बनाने का भी मोटो यही है कि वो सारे बच्चे और आप लोग सभी घर बैठ करके पढ़ाई कर सकें और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स से आप समर वेकेशन भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकें. ठीक है, सो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे. ओके.